हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं अयूब खान और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। तो डियर स्टूडेंट, देखिए इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो कैलकुलस में सबसे लेंथी पोर्शन है और बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आज अपन इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट? जैसे हम डिफरेंशिएशन में कोई फंक्शन होता है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके उसका डेरिवेटिव फाइंड करते थे dy बाई dx, तो इंटीग्रेशन अपोजिट प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का और ये कैलकुलस का एक पार्ट होता है इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, देखिए ये टू टाइप से होता है इंटीग्रेशन। एक तो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या करेंगे, इन इंटीग्रेशन वी विल बी फाइंड ए फंक्शन ऑफ गिवन डेरिवेटिव, ये फाइंड करेंगे अपन कि जो डेरिवेटिव गिवन है उसका आपको फंक्शन फाइंड करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, fx dx इज इक्वल टू fx प्लस c, ये। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहां पर आप कि इंटीग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि जिस का आपको इंटीग्रेशन करना है वो तो कहलाता है इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड समाकल्य, और इंटीग्रेशन करने के बाद में जो आपको फाइंड होता है वो होता है समाकल। इसे कहते हैं इंटीजर। और इंटीग्रेंड से इंटीजर फाइंड करने की जो प्रोसीजर होती है उसे कहते हैं समाकलन, इंटीग्रेशन। ये होता है समाकलन, मीन्स ये जो मेथड होता है वो कहलाता है समाकलन। सी जो होता है ये कॉन्स्टेंट होता है, ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम इसको ऐड करते हैं। मतलब जो आपके पास क्या होता है, ये जो सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, ये एस का बिगड़ा हुआ रूप है। एस का मतलब यहां सरफेस से लिया जाता है, पृष्ठ से लिया जाता है। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, मान लीजिए ये आपके पास कोई डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव से आपको इंटीग्रेशन करके आपको इसका फंक्शन फाइंड करना है कि ये जो डेरिवेटिव है या ये किसका डिफरेंशिएशन है वो फंक्शन हमें फाइंड करना है। तो जिसका आप इंटीग्रेशन करोगे वो तो होता है आपके पास इंटीग्रेंड, समाकल्य। और फिर समाकलन करने के बाद आपके पास जो फाइंड होगा होगा समाकल, जिसे इंटीजर कहते हैं, ठीक है। तो समाकलन क्या है, समाकल्य से समाकल ज्ञात करने की जो विधि होती है वो कहलाती है इंटीग्रेशन। या आप ये भी कह सकते हो कि किसी फलन के अवकल गुणांक के व्युत्क्रम ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समाकलन कहलाती है, ठीक है। इंटीग्रेशन इज ए अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इन डिफरेंशिएशन वी विल बी फाइंड ए डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन एंड अपोजिट दिस इन इंटीग्रेशन वी विल बी फाइंड ए फंक्शन ऑफ गिवन डेरिवेटिव, ए फंक्शन ऑफ गिवन डेरिवेटिव। जो आपके पास फंक्शन होता है उसका आप, मतलब जो आपके पास डेरिवेटिव होता है उस डेरिवेटिव का आपको फंक्शन फाइंड करना होता है तो वो क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन कहलाएगा। सो इंटीग्रेशन इज ए मेथड है, ठीक है ना, एंड इज ए पार्ट ऑफ कैलकुलस। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब आपके पास ध्यान दीजिए
इंटीग्रेशन जो होता है ये टू टाइप का होता है डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन जो है ये टू टाइप का होता है, एक तो होता है इंडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। और एक होता है निश्चित समाकलन। इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल्स कहते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं और इसको कहते हैं डेफिनेट। तो आपके जो इंटीग्रेशन दिया हुआ ये टू टाइप का है, डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ अपन पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। इंडेफिनेट जो इंटीग्रेशन उसके बारे में पढ़ेंगे अपन कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है। तो फर्स्ट डियर स्टूडेंट आपके पास इंडेफिनेट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन जो होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे यहां पर। इंडेफिनेट इंटीग्रल जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है आपके पास डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, आपके पास कोई डेरिवेटिव दिया हुआ है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करने के बाद में आप इसका फंक्शन फाइंड करोगे। ये होता है आपके पास इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का फाइंड करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। उनके विदाउट यूजिंग के आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड नहीं कर सकते। तो देखिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, अब आपके पास सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की गुणधर्म है। तो इंटीग्रेशन जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए पहली प्रॉपर्टीज कि इंटीग्रेशन में किसी भी फंक्शन के मल्टीप्लाई में कोई कॉन्स्टेंट होता है तो कॉन्स्टेंट को तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे और फंक्शन का अपन डिफरेंस इंटीग्रेशन कर देंगे। सेकंड रूल है डियर स्टूडेंट, सेकंड रूल, टू फंक्शंस मल्टीप्लाई में गिवन हो, प्लस में या माइनस में गिवन हो, जैसे लाइक दिस f1x प्लस f2x dx, जैसा अपन डिफरेंशिएशन में करते थे टू फंक्शंस होते हैं एड में या आपके सब्ट्रैक्शन में होते हैं तो उनको सेपरेट सेपरेट करके अपन उनका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx, इसी टाइप से सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में हो f1x माइनस f2x dx इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन में, ये डेफिनेट और इंडेफिनेट दोनों को फॉलो करेंगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं।
सम इंपोर्टेंट स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं, सम इंपोर्टेंट स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, कुछ महत्वपूर्ण मानक समाकलन। इनमें देखिए डियर स्टूडेंट, ये एज ए फॉर्मूलाज आपको लर्न करना है। फर्स्ट ऑफ ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सी, सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, थर्ड डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, फिफ्थ डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, सिक्स्थ आएगा डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस सी, सेवन्थ आएगा डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी। इसके बाद में डियर स्टूडेंट एट वाला जो कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये तो हैं डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स सम इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। अब इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनके भी जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनके भी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो इंटीग्रल्स होते हैं वो देखिए। नेक्स्ट ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके इंटीग्रल्स क्या होते हैं, देखिए इनकी विदाउट हेल्प के आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, तो इनको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। जिससे पहला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स प्लस सी, सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, थर्ड आएगा डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग मोड कोस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ये भी यूज कर सकते हो दूसरा फॉर्मूला आप, ये भी यूज कर सकते हो लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी, फोर्थ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी। इसी टाइप से देखिए डियर स्टूडेंट, फिफ्थ में इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स मोड क्लोज प्लस सी। इसमें सेकेंड फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो लॉग मोड टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू
प्लस सी। सेकंड कंसेप्ट, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, सिक्स्थ वाला जो स्टैंडर्ड, सिक्स्थ वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है उसका इंटीग्रल्स क्या होगा? कोसेक अक्ष का इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड कोसेक अक्ष माइनस कोट अक्ष प्लस सी। इसी में सेकंड आप यूज कर सकते हो लॉग मोड टेन एक्स बाय टू प्लस सी। इसी टाइप से नेक्स्ट डियर स्टूडेंट ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये थे डियर स्टूडेंट हमारे पास इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन ये होते हैं। इनको आपको अच्छे से लर्न करना है, इनकी बिना आप एक भी एग्जांपल एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद में इंटीग्रल्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंटीग्रल्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके इंटीग्रल्स क्या होते हैं ये भी आपको अच्छे से लर्न करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको कि इंटीग्रेशन में क्या होता है डेरिवेटिव का हमें फंक्शन फाइंड करना हो। तो ये देखिए किसका डेरिवेटिव होता है डियर स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स का। हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो प्लस सी करेंगे। सेकेंड नेगेटिव में आ जाए माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो ये आएगा डियर स्टूडेंट कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। थर्ड आएगा डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है टेन इनवर्स एक्स का। फोर्थ आएगा डियर स्टूडेंट माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये आएगा कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फिफ्थ का जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। सिक्स्थ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। इज इक्वल टू क्या आएगा? कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, ये था हमारे पास इंटीग्रेशन के बारे में आपको बता दिया, और इंटीग्रेशन के जो टाइप है वो बता दिया, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन हमने पढ़ा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज करोगे। इसके बाद में सम इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बताए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स क्या होते हैं वो बताए, और इसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके इंटीग्रल्स क्या होते हैं ये मैंने भी बताया। तो ये होता है डियर स्टूडेंट इसके मेन कंसेप्ट। अब देखिए इसके बाद में आप इसके सॉल्यूशन करेंगे अपन। तो अब इंटीग्रेशन के जो मेथड होते हैं वो बताता हूँ, इंटीग्रेशन के जो मेथड हैं वो देखिए डियर स्टूडेंट, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन की जो विधियाँ हैं वो देखिए, समाकलन की विधियां, मेथड्स ऑफ इंटीग्रल्स,
समाकलन की जो विधियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी टाइप पढ़ोगे आप यहां पर, वो पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट अपन। देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट मानक सूत्रों की सहायता से समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज से इंटीग्रेशन कैसे करोगे, एक तो ये है, फिर आएगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, थर्ड पढ़ोगे बेटा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के द्वारा समाकलन, सर्वसमीकरणों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके बाद में आता है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, फोर्थ आएगा आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन, वियोजन द्वारा द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यह है पार्शियल फ्रैक्शंस के यूजिंग से इंटीग्रेशन फाइंड करना, और एक खंडशः समाकलन। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, इसके फाइव मेथड हैं। कौन कौन से मेथड फाइव, ध्यान दीजिए, मानक सूत्रों की सहायता से समाकलन, इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फिर आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, फिर लास्ट मेथड इसका खंडशः समाकलन, जिसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, आइलेट का मेथड होता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अपन सबसे पहले वाला मेथड अपन यूज कर रहे हैं यहां पर, पहला जो मेथड है वो